क्या हुआ, दो साल तक कहाँ थी सोनिया? बीच में ये दो साल का गैप आया, दो साल, डेढ़ से दो साल, डेढ़ से दो साल का। लास्ट कौन सा था फैसला? लास्ट नहीं, या उसके बाद दिल दिल वाला था? नहीं, मेरा था हम के साथ था तू इश्क है। ओके, तू इश्क, तू इश्क है विद अली काज़मी एंड फैजान ख्वाजा। आई डिड अ सीरियल विद देम एंड उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। आई वाज प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक फॉर क्वाइट सम टाइम। आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड, अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड आई वाज जस्ट डन विद रूटीन के प्रोजेक्ट्स। आई वाज डन विद सास बहू और वो भी जो ड्रामा किया था, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट वो भी एक वही चीज़ थी, लव ट्रायंगल, एंड आई प्लेड अ नेगेटिव रोल इन इट एंड व्हिच आई डोंट माइंड डूइंग, बट वो ठीक तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया था। सो आई वाज वेरी हर्ट अबाउट इट और मैंने इतना अपने ऊपर उसको एज अ बर्डन मैंने ले लिया। आई लिटरली वेंट इन अ डिप्रेशन एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गो बैक होम और अब मैं वेट करूँगी, अब मैं भागूंगी नहीं काम के पीछे, नाउ आई विल लेट वर्क कम टू मी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैं घर गई और फिर उन्हीं दिनों में कोविड भी आ गया, तो वो एक नेचुरली एक सब कुछ स्लो हो गया सबके लिए ही। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से बात की, मैंने कहा अल्लाह ताला नवंबर की डेडलाइन आपको दे रही हूँ, सो नवंबर तक इफ दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, तो नवंबर तक यू विल गिव मी अ प्रोजेक्ट। एंड यही हुआ, अक्टूबर स्टार्टेड और मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए माशाल्लाह। बट एवरीवन उन दो सालों में मुझे सब ने कहा कि डोंट डू दिस, ब्रेक मत लो, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह वी हैव सो मच टैलेंट, आप हटते हैं तो आपके जगह पे हो जाता है। तो एवरीवन वाज लाइक ना लोग गायब हो जाओगे, लोग भूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ना वाज लाइक दैट्स फाइन बाय मी बिकॉज आई वांट टू सेटिस्फाई माय क्रिएटिव साइड इंस्टेड ऑफ डूइंग यू नो ऑल दीस रूटीन के प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी बात है, क्योंकि मेरा एक सवाल भी मैंने आपके लिए लिखा था कि जैसा आपने ये बोला और आपने कहीं और पहले भी बात बोली है कि आप थक गई थी वही स्क्रिप्ट्स करते करते। आई नो कि आपके मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ स्क्रिप्ट आता है एंड आप कहती हैं अच्छा मैं इतने तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी? क्योंकि वही बात ना, चलिए डेढ़ साल तो आपने निकाल लिया था, इससे आगे अगर तीन साल हो जाते या कुछ आते, तो वो कुछ है दिमाग में था सोनिया के कि इस पॉइंट तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी ताकि मैं बिल्कुल ही बेरोज़गार ना हो जाऊँ, इस फील्ड से ना निकल जाऊँ, या नहीं सोचा था बल्कि कि नहीं आई एम येस और नो दिस वे और दैट वे मैं मिडिल का नहीं लूँगी? हाँ, मैं मिडिल का ये, दिस वाज लाइक नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, बट माय फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई नो कि मेरे लिए हमेशा अच्छा ही होता है बिकॉज यू नो माय कनेक्शन विद गॉड, आई नो वो किस तरह का, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये बातें आपको तब पता चलती हैं जब बचपन से आपका एक पैटर्न बनाओ कि आपके अगर कुछ आपके ब्लॉकेज हुई हो तो वो किस तरह से खुल जाती है। सो आई न्यू कि ये भी एक ब्लॉकेज है, बट ये मेरी बेहतरी के लिए है कि जो दो साल थे इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट बिकॉज आई फोकस ऑन माई सेल्फ। 2015 से आई वॉज वर्किंग और अपने लिए फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था मिला। तो वो दो साल मैंने खुद को दिए, फैमिली को दिए, सबको दिए। उसमें मैंने और भी सोचा कि अगर नहीं होता तो मैं किस चीज़ पर फॉल बैक करूँगी, क्या करूँगी। फिर वही मैंने बात अल्लाह ताला से किया, वाज लाइक नवंबर इज योर डेडलाइन नॉट माइन, योर डेडलाइन। मैंने ये टिप पकड़ ली है, मैंने अल्लाह ताला से ही बात करनी है कुछ प्रोजेक्ट्स के, ये डेडलाइन अल्लाह ताला इस वक्त मेरे हाथ में ये चीज आ जानी चाहिए, यू नो। तो अल्लाह ताला ने सुन लिया माशाल्लाह। और मैं सबको यही कहती थी यार कि ठीक है अगर लोग भूल जाएंगे तो इट्स फाइन, इट्स मेंट टू बी लाइक बिकॉज़ आई वाज नेवर नेवर इन द रेस के मुझे फेमस होना है और मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे यू नो हर ड्रामे में हर टीवीसी में होना है, आई वाज नेवर इन दैट रेस। तो शायद इसीलिए मेरे लिए ईजी था करना, मेरे लिए ब्रेक लेना ईजी था, सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई वॉज नॉट रनिंग आफ्टर फेम और सक्सेस स्टफ लाइक दैट। मुझे बस अच्छा काम करना है, शौक पूरा करना था, शौक पूरा करना है बिकॉज बहुत क्रिएटिव काम है जो हम करते हैं, बहुत क्रिएटिव काम है। हाँ, जब आप रिपीटेशन आ जाए काम में तो फिर वो बोरिंग हो जाता है और मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ। तो फिर यही हुआ, स्क्रिप्ट्स आप एक पढ़ी तो वो यहाँ से थोड़ी सी चेंज थी, वो वाली पढ़ी तो वो यहाँ सेम था सब कुछ, बट कुछ कुछ इधर इधर उधर से थोड़ा सा चेंज था। वाज लाइक नहीं यार, नहीं, नॉट एनीमोर, दिस इज नॉट फेयर टू मी बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू बी यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग, जो चीज शौक के लिए कर रहे हो उसमें खुश ना हो।
तो फायदा क्या. आपने 2015 में स्टार्ट किया राइट. Yes. उसी साल संगत. Yes. आपका पहला नहीं दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट. तीसरा था. तीसरा प्रोजेक्ट राइट. आई मीन दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस है ना. एंड आई डिडंट नो एट दैट टाइम. हां कि आपको खुद भी शायद नहीं कि किस प्रोजेक्ट में हाथ डाला है और क्या अपॉर्चुनिटी मिली है. एग्जैक्टली. बट संगत तो इतना उस पे एक तो डिस्कशंस बहुत हुई और वो बहुत देखा गया माशाल्लाह से एंड एवरीथिंग. आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस. इतनी अच्छी उस वक्त भी दी थी और मुझे याद है आप संगत से. सो बैड. यू रियली थिंक सो. मुझे तो अच्छा लगा था. आई थिंक सो. अच्छा पता नहीं खैर मुझे तो खैर अपनी चीज कभी पसंद नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट. सवाई दमपुख्त के आई डोंट लाइक एनी ऑफ माय वर्क. बट संगत में आई वाज नॉट पॉलिश्ड. आई वाज नॉट ट्रेंड. मुझे ठहराव मेरे अंदर नहीं था. मुझे नहीं पता था कि यू नो आंखें कब उठानी है और कब नीचे करनी है और कब ये सब कुछ. ये सब चीज़ें मुझे उस प्रोजेक्ट में सिखाई गई. काशिफ भाई इज़ एन इंस्टीट्यूट. वो आपको सिखाते हैं. मतलब अगर उन्होंने आपके अंदर पोटेंशियल देखी हो तभी आपको कास्ट करेंगे. ठीक है. एंड ही सॉ समथिंग इन मी. उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने वो कर दिया बस प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद पता चला कि क्या किया है मैंने. लाइक क्या तो मतलब क्या आई कैसे थी संगत की आपके पास. आई थिंक आई वाज मेरे जियो का एक प्रोजेक्ट ऑन एयर गया होगा. और फिर यही होता है जब आपके प्रोजेक्ट ऑन एयर जाते हैं तो पीपल स्टार्ट टू कॉल यू. तो उन्होंने कहीं देखा और उन्होंने कॉल किया. काशिफ ने साथ ही खुद कॉल आई. नहीं खुद कॉल नहीं मतलब प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन से कॉल आई. देन आई वेंट एंड आई मेट हिम. उसी तरह उन्होंने स्क्रिप्ट रखा सामने और उन्होंने कहा बेटा पढ़ो. आई वाज लाइक काशिफ भाई उर्दू नहीं पढ़ी जाती. अच्छा. सो इट्स लाइक ओके नो वरीज. तो फिर उन्होंने पढ़ा. उन्होंने मुझे कहा एक लाइन पढ़ो ये पढ़ो. तो वो पढ़ के फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये चलो सही है ठीक है अभी तो तुम थोड़ा वीक हो बट कम ऑन सेट हम इसको सही करेंगे. ओके. उन्होंने पढ़ा के देखा आपको. देखा कि ये कर सकती है या नहीं कर सकती है. लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा था कि आप काशिफ निसार का प्रोजेक्ट कर रही हैं. ये हिट किया था. आई हैड नो आइडिया. आई हैड नो आइडिया बिकॉज़ आई थिंक तब तक मैं इतना सीरियस भी नहीं थी. हां बहुत नई थी ना इंडस्ट्री में. नहीं थी. आई वाज अ किड. मैं इतना सीरियस भी नहीं थी. मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं थी. इट केम टू मी लिटरली ऐसे बस आ गई मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी और मैंने वो कर लिया. और फिर मैं पहला प्रोजेक्ट करके मैं थोड़ा सा डर गई. मैंने कहा अच्छा ये तो रातों तक लेट काम भी होता है. सुबह सुबह जल्दी भी जाना होता है और अपनी न्यू कमर्स की आस पर कोई से नहीं होती है. तो यू हैव टू डू व्हाट दे टेल यू टू डू. अच्छा मैं तो अखलौती बहन थी. मेरी तो सब बात मानते थे. यहाँ पे तो कोई बात नहीं. तो ये क्या हो गया. तो फिर सेकंड प्रोजेक्ट के बाद आई वाज लाइक फिर मेरे नहीं अब मैं नहीं करूँगी. अब नहीं करूँगी बस थोड़ा सा. नहीं ये मेरे मतलब का काम नहीं है. बट देन अगेन आप फिर जब देखते हैं जब आपका ड्रामा ऑनर चला जाता है फिर जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप कहते चलो कर लेते. तो जब पहचाने जाते हैं जब तारीफ आती है जब कमेंट्स आते हैं नीचे तो लाइक अच्छा. आई थिंक एक वो एक नशा है जो चढ़ जाता है तो आसानी से नहीं होता है यू नो. दैट्स सो ट्रू. दमपुख्त कैसे आया आपके पास. उफ दमपुख्त तो पता नहीं एक्चुअली कहाँ से आया. आई वाज इन कराची शूटिंग फॉर ख्वाब सराय. एंड मुझे कॉल आई कि लिटरली एक हफ्ते बाद शूट है. और काशिफ भाई डायरेक्ट कर रहे हैं और दमपुख्त नाम है और नमान एजाज है. तो और मेरा रैप अप हो रहा था ख्वाब सराय. आई वाज रैपिंग अप. आई वाज फ्लाइंग बैक टू लाहौर. आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर बैक देन. मैंने कहा अच्छा ना स्क्रिप्ट मेरे पास ना कुछ. तो हफ्ते के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू द सेट. ठीक है. मतलब आई डोंट नो व्हाई. आई स्टिल डोंट नो व्हाई कि काशिफ भाई को क्यों लगा कि मैं कुलसुम का कैरेक्टर कर सकूंगी. आई स्टिल डोंट नो व्हाई. आई स्टिल नीड टू आस्क हिम दैट. बट आई वेंट ऑन सेट और उन्होंने मुझे वो पूरा उस कैरेक्टर का बताया कि बुर्का लेती है काजल लगाती है. और उसका एक डायलॉग है कि इतनी बुरी नाक छुपा रही है और इतनी प्यारी आंखें दिखा रही हो. सो दैट्स एक्चुअली मुझे लगता है मेरे लिए लिखा गया बिकॉज आई हैव अ बैड नोज. आई डोंट थिंक सो. आई जनरली थिंक कि मेरे लिए लिखा गया था. बट या आई वेंट ऑन सेट एंड इट्स स्टार्टेड. एंड इससे पहले नहीं पूरा पढ़ा था. मैंने नहीं पढ़ा था. अच्छा. और सेट पे पहुंची हो तभी आपने शुरू कर दिया. एग्जैक्टली. और फिर कुछ दिनों के बाद मेरा पहला सीन था
नोमी भाई के साथ. क्या स्ट्रेस था, क्या एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट क्या थी? आई डोंट नो, रोलर कोस्टर था इमोशंस का लाइक. और पहला सीन काशिफ भाई ने मेरा उनके साथ रखा था कि वो मेरे कि वो मेरे पास आते हैं और मैं यूं करके खड़ी हुई हूँ और वो आके बस नो डायलॉग्स नो नथिंग, मैं ऐसे बस खड़ी हुई हूँ और वो आके मेरा हाथ पकड़ते हैं और ही इज दिस क्लोज टू मी. मैं लिटरली आई वाज लाइक शेकिंग एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस मैन, इनकी एनर्जी, इनका ऑरा, इनका कैरेक्टर, लेजेंड है यार. और अभी सलाम दुआ भी नहीं उस तरह से हुई, मतलब. और काश मैंने आई थिंक जान के वो सीन रखा होगा जस्ट टू सी क्या किस तरह कितना ले सकते हो. उन्होंने कहा एक ही दफा, वो कहते हैं ना फेंक दो समंदर में तो खुद ही तैरना सीख जाएगी, उन्होंने कहा डाल दो इसको, ये सर्वाइव कर लेगी. लेकिन फिर इन द एंड काशिफ भाई इज ग्रेट, नुमान भाई इज ग्रेट, दोनों आपको इतना सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं कि आप आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं. दे बोथ आर सो हम्बल, दे वांट यू टू लर्न. सबसे अच्छी जो उनकी बात है, दे वांट यू टू लर्न.